ड्यू मतलब डिग्री ऑन स्टेचुरेशन, इसकी फार्मूला 2C+2+N-XH-H/2, CH4 की DU 0 है, C2H4 की DU 1 है। तो इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए CH4 का 0 क्यों हो रहा है, इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग चलते हैं। देखिए C कितना है, 1 है, तो 2 हो जाएंगे प्लस 2, हाइड्रोजन जितने भी होंगे उसको माइनस करना है, कितना हो गया 0। अब इसकी देखते हैं, C 2 है तो 4 प्लस 2 माइनस 4 अपॉन 2, 2/2 मतलब 1। तो ये जो डी वन आया मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सी टू एच फोर खोलेंगे तो डबल बॉन्ड सी एच, ये था। अब हम दूसरे कंपाउंड लेकर के चेक करते हैं, देखते हैं। सी टू एच सिक्स और C6H6, ये दोनों कंपाउंड को हम चेक करते हैं। तो पहला इसका DU निकालते हैं, इसकी DU कितना होगा। देखिए कंपाउंड में जितने भी कार्बन रहेगा उसको 2S टाइम करिए, तो दो कार्बन है, 2 टाइम्स करेंगे तो 4 प्लस 2 ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन जितने भी होंगे उसको माइनस करना है, तो 6 था, माइनस कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, 6 में से 6 गया 0/2 मतलब 0। तो C2H6 में ना ही आपका डबल बॉन्ड होंगे, ना ही ट्रिपल बॉन्ड, ना ही रिंग, तो क्या होंगे, खाली सिंगल बॉन्ड। तो इसको भी खोल के भी देख लीजिएगा, यहाँ पे खोल देते हैं। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड, देखिए अब C6H6 का करते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम DU निकालना चाहें तो जितने भी कार्बन हो उसको 2S टाइम करिए, तो 6 कार्बन है 12 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, 6 अपॉन 2, ठीक। आप यहाँ पे 14 में से 6 जाएंगे तो कितने होंगे, 8/2, तो कितना होगा 4। अब इसकी DU कितना आ गया मेरे पास, 4 है। अब बेंजीन रिंग को खोल के देखेंगे हम लोग, तो ये बेंजीन की होते हैं, तो कहने का मतलब 4 में से आपका रिंग भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकता है। तो बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कैसे है, 6 कार्बन रिंग में रहते हैं, तो कहने का मतलब 1 रिंग हुआ। अब 3 बचा है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो देखिए डबल बॉन्ड कितना हो रहा है, 3। तो ये जो DU 4 आया था, एक रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो मेरे वीडियो की लेक्चर में आप लोग को DU निकालने की तरीका अच्छे से समझ में आ गया। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर